प्यारे बच्चों, आज के भाषण का शीर्षक है शिक्षक दिवस। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों और प्रिय छात्रों, आज हम दुनिया भर के शिक्षकों की कड़ी मेहनत और योगदान का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोगों को शिक्षित करना सबसे बड़े कामों में से एक है जो कोई भी कर सकता है। अध्यापन का पेशा अनादि काल से विद्यमान है। पुराने समय में गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें विद्यार्थी अपने घर छोड़कर ऋषियों के साथ वन में रहते थे। उन्होंने उन छात्रों को वर्षों तक पढ़ाया जो कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अपने घर लौट आए। इन ऋषियों को छात्रों और उनके माता पिता ने भगवान की तरह पूजा की थी। तब से एक शिक्षक को भगवान के बगल में रखा गया है। शिक्षण प्रणाली को वर्षों में संशोधित किया गया था और आज हम देखते हैं कि देश भर में बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। शिक्षण आशावाद का सबसे बड़ा कार्य है। यह एक ऐसा पेशा है जो अन्य सभी व्यवसायों का निर्माण करता है। सर राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शिक्षक हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, जो एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे, की जयंती पर वर्ष 1962 से 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों ने अनुरोध किया कि उन्हें 5 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने दें। इस पर उन्होंने उनसे इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा, न कि केवल अपने जन्मदिन के रूप में। तब से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी प्राथमिक शिक्षा घर से शुरू होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और लोगों से मिलते हैं, हम उनसे सीखते हैं। अनुभव और गलतियाँ हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे परिस्थितियों को संभालना है और इस दुनिया में कैसे जीवित रहना है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे ऐसे अद्भुत शिक्षकों ने पढ़ाया, जिन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। सभी छात्रों की ओर से मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके मार्गदर्शन में विकास करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने हमें सही रास्ता दिखाया। आप हमेशा वहाँ थे जब हम मुसीबत में थे, चाहे वह अकादमिक हो या व्यक्तिगत। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी खेती बेहतरीन माली द्वारा की जाती है। हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।